हेलो एवरीवन। तो टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 1 विच इज सॉल्यूशन। इससे पहले भी एक चैप्टर हुआ करता था करीबन 1-2 साल पहले सीबीएसई के 12वीं के सिलेबस में सॉलिड स्टेट, बट अब वो सीबीएसई ने अपने सिलेबस से हटा दिया है। तो अब जो नया चैप्टर हम लोगों के पास आया है वो सॉल्यूशन। पहले भी था, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 हुआ करता था। तो जिनके पास पुरानी बुक्स हैं या पुराने नोट्स अगर आपके पास हैं तो आपको ये चैप्टर नंबर 2 दिखेगा। चैप्टर 1 सिर्फ सॉलिड स्टेट होगा, तो आपको वो नहीं पढ़ना, आपको लोगों को यहीं से स्टार्ट करना है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे चैप्टर 1 लिखा है ताकि आपको पता चल सके। नाउ सबसे पहले अगर कंटेंट पढ़ लेते हैं ताकि इससे क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ओके, तो पहली चीज़ हम लोगों को पढ़नी है वो है इंट्रोडक्शन। ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी सी चीज़ें जैसे सल्यूट क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, सॉल्वेंट, छोटी छोटी चीज़ें, बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। एक्वस सॉल्यूशंस, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस, एक एक लाइन की डेफिनेशन ज़्यादा नहीं। फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। सी, अगर आप टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखें तो पहला क्वेश्चन आता है कि आप उसको किस बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हो, मतलब किस तरीके से आप उसको क्लासीफाई कर रहे हो। तो यहाँ पे जो हम क्लासीफिकेशन कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटांस कह सकते हो आप, कि आपका जो सब्सटांस है वो किस स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। करीबन 8-9 तरीके के 8-9 टाइप्स की सॉल्यूशन हमारे पास बनेंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ना कुछ, सिर्फ एग्जांपल्स पढ़ने हैं, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है इसके अंदर, स्कोप भी नहीं है, ज़्यादा कुछ पूछ नहीं का। तीसरे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज़ गैस एंड लिक्विड टाइप सॉल्यूशंस के अंदर, और इसके अंदर हम हेनरीज लॉ स्टडी करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हेनरीज का लॉ, फैक्टर्स भी पूछे जाते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन पूछी जाती है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो बहुत पूछा जाता है, बहुत टाइप के न्यूमेरिकल एग्जामिनर आपके सामने रख सकता है, तो आपको अलग अलग टाइप की सिचुएशंस को यहाँ पे डील करना पड़ सकता है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सॉलिड एंड लिक्विड, या फिर लिक्विड एंड लिक्विड टाइप भी कह सकते हो आप, दोनों इसी के अंदर आते हैं, एक ही के अंदर आते हैं। दोनों को रॉड्स ने बताया था, बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है, और इसकी भी मैथमेटिकल इक्वेशन हम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इजियोट्रॉपिक छोटा सा टॉपिक है, रॉड से ही रिलेटेड है, एग्जांपल्स इसके इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेशन भी आ जाती है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने को। नेक्स्ट वी हैव एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो बेसिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी, जनरली जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है ना वो नेचर पे डिपेंड करती है, सब्सटेंस के नेचर पे, कि आयनिक है, कोवेलेंट है, या फिर पोलर, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर पे डिपेंड नहीं करती, तो किस पे करती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल पे, जो आपने सॉल्यूट ऐड किया है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने। ओके, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा, और इसके अंदर हम 4 प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। पहली होगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो हम वैसे रॉड्स के अंदर पर डिस्कस करेंगे, तो इसको दोबारा यहाँ पर जल्दी से रिकैप कर देंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, ध्यान रखना ये चारों प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, नेचर पे नहीं डिपेंड करती कि आपने सॉल्यूट लिया उसका नेचर क्या है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। सी, होता क्या है जब आप किसी सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं सॉल्वेंट में, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि सॉल्यूट ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि अगर आपने एक पार्टिकल लिया है तो मे बी वो 2 पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए या 3 पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो सॉल्यूट है वो एसोसिएट हो जाए, मतलब 2 पार्टिकल जो है वो मिलकर एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए, जिसको बोलते हैं डाइमराइजेशन हो जाना, या फिर 8 पार्टिकल का 1 पार्टिकल भी बन सकता है, जिसको बोलते हैं ऑक्टामराइजेशन, तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस कब आते हैं, जब आपका पार्टिकल जो है वो नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है, बेसिकली क्या मतलब है नॉर्मली ना बिहेव करने का, या तो वो डाइमराइज हो रहा है बेसिकली, या तो वो डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएशन हो रही है या एसोसिएशन हो रही है, बेसिकली जैसे आपने डाला था उस हालत में नहीं है, ठीक है, आइडियली बिहेव नहीं कर रहा है। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मासेस आते हैं वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़े उल्टे पुलटे आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। होता क्या है, कैसे होता हो, कैसा प्रोसेस, आई मीन कैसे डेवलप होता है, हम डिटेल में अपने चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे।
सो अब हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन बेसिकली होते क्या हैं और मिक्सचर से कैसे डिफरेंस हैं, डिफरेंट हैं. ओके, नाउ सॉल्यूशंस की डेफिनेशन के लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं. तीन अलग अलग बीकर लेते हैं, तीनों के अंदर वाटर डाल रहे हैं, मगर सब्सटेंसेस अलग अलग हैं. बेसिकली सॉल्यूट अलग अलग डाला हमने. पहले में हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, इसमें सैंड, और थर्ड वन मिल्क. आप इसे अच्छे से स्टर करो, आपको क्या दिखेगा. सी, जो पहला वाला बीकर है उसके अंदर जो सब्सटेंस है वो कंप्लीटली डिजॉल्व हुआ है, कंप्लीटली डिजॉल्व. सैंड का तो कुछ भी नहीं कह कर सकते आप, जितनी भी देर तक डिजॉल्व करते रहो, ठीक है, इट कैन नॉट बी डिजॉल्व, तो नॉट डिजॉल्व. मिल्क वाटर लगेगा आपको कि डिजॉल्व हो गया है, तो मैं इसको डिजॉल्व भी लिख रही हूँ भी, बट एक्चुअली कम्प्लीटली नहीं डिजॉल्व होता, तो हम इसे लिख भी सकते हैं नॉट कम्प्लीटली डिजॉल्व. ओके, नॉट अ डिजॉल्व एट ऑल, ये तो बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं हो रहा. नाउ ये वाला सोल्यूशन क्लियर है, आपको इजीली दिखेगा, ठीक है, और ये वाला ओपेक होगा, मतलब नहीं दिखेगा, और ये ट्रांसलूसेंट होगा, धुंधला धुंधला सा दिखेगा, कम्प्लीटली नहीं पता चलेगा. नाउ जो पहला सोल्यूशन है जिसमें सब्सटेंस, जो पहला है बेसिकली पहला बीकर है जिसके अंदर सब्सटेंस कम्प्लीटली डिजॉल्व हुआ है, क्लियर बना है सोल्यूशन, ठीक है, क्लियर आपको मिला है सब्सटेंस, इसको कहेंगे हम सोल्यूशन. ओके, ये वाली चीज जिसके अंदर बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं हुआ आपका सोल्यूट और ओपेक है, इसको बोलते हैं सस्पेंशन. एंड द लास्ट वन, कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं हुआ, हल्का फुल्का डिजॉल्व हुआ, बीच बीच की स्टेट नजर आ रही है, तो ये है कोलोइड. ओके, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सॉल्ट वाला बेकर है उसके अंदर आपको होमोजीनियस सोल्यूशन मिला है. अभी होमोजीनियस का मतलब क्या होगा, देखिए होमोजीनियस का मतलब होता है कि आपको सिर्फ एक ही फेस मिल रहा है, मतलब आपको डिफरेंट नहीं मिल रहा, सेम फेस है. कैसे कह सकते हो आप सेम फेस है, ठीक है, सॉलिड जो है वो ओरिजिनली सॉलिड है और जो वाटर है वो लिक्विड है, बट जब सॉल्ट डिजॉल्व हुआ तो उसने अपना फेस चेंज कर लिया. बेसिकली अब आपको एक ही फेस मिल रहा है, दिस इज लिक्विड. क्यों ऐसा इसलिए हुआ है कि सोल्यूट आपका कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गया है ना, तो इसीलिए अब आपको ओनली लिक्विड फेस मिल रहा है. तो आप कहोगे कि सेम फेस में प्रेजेंट है दोनों कॉम्पोनेंट, तो ये होमोजीनियस हुआ. ऑब्वियसली जो सस्पेंशन है वो हेट्रोजीनियस है, क्योंकि सैंड पहले भी सॉलिड थी और बीकर में जाने के बाद भी सॉलिड ही रही, तो ये हेट्रोजीनियस है. मिल्क, वेल आपको लग रहा है कि होमोजीनियस है, बट वो हम बाद में पढ़ेंगे कि एक्चुअली मॉलिकुलर लेवल पे ये होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है, पर मैं इसको भी होमोजीनियस ही लिख देती हूँ. तो सोल्यूशन में मेन बात क्या है, ये होमोजीनियस होना चाहिए. अच्छा, एक सोचने वाली बात है कि इन तीनों ने ऐसा अलग अलग क्यों किया, मतलब ये अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स क्यों क्रिएट कर रहे हैं. देखिए मिक्सचर तो ये हैं क्योंकि सिंगल सब्सटेंस नहीं है, आपने मिक्स किया है इस कॉम्पोनेंट को, तो है तो ये मिक्सचर ही, मगर फिर इतना डिफरेंस क्यों आया, ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ चीज़ें डिजॉल्व हो रही हैं कुछ नहीं हो रही हैं, कुछ हल्के फुल्के डिजॉल्व हो रही हैं. देखिए डिसोल्यूशन जो है वो बहुत हद तक डिपेंड करती है मॉलिकुलर स्टेट पे, आपको जो मॉलिक्यूल है उसका साइज क्या है, ठीक है. तो अगर आपको सोल्यूशन बनाने हैं तो आपके पास जो पार्टिकल का साइज है, जो सोल्यूट का पार्टिकल है उसका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होना चाहिए. ये आप याद रखना, पूछ सकते हैं कई बार, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है. सैंड के लिए जो आपका पार्टिकल का साइज है वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होना चाहिए. और ऑब्वियसली कोलोइड क्योंकि इन दोनों के बीच की स्टेट है, तो इसके लिए जो साइज है पार्टिकल का वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होना चाहिए. तो अलग अलग पार्टिकल के साइज से आपको अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं. कहने को तीनों ही मिक्सचर हैं पर फिर भी अलग है. हमें इन तीनों से फिलहाल मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ हमारे सॉल्यूशन से. ओके, नाउ सॉल्यूशंस की डेफिनेशन एक बार लिखते हैं फिर कि सॉल्यूशंस होते क्या हैं. देखिए सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, यानी कि कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है और ट्रांसपेरेंट होता है. इसके अलावा जो सॉल्यूशंस हैं वो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए. कॉम्पोनेंट बेसिकली जो आप ऐड कर रहे हो सब्सटेंसेस
वो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, कंपोनेंट नॉन रिएक्टिंग इन नेचर। क्यों? अगर ये रिएक्ट कर गए तो ये नया प्रोडक्ट बना लेंगे, और ऐसा होगा तो आपका सोल्यूशन का सारा पर्पस ही खराब हो जाएगा। तो कंपोनेंट नॉन रिएक्टिव होने चाहिए और होमोजीनियस होने चाहिए। तो अगर मैं इसके सोल्यूशन की डेफिनेशन करूँ कि सोल्यूशन क्या होते हैं, तो बेसिकली इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हुज कॉम्पोजिशन कैन बी वेरी विद इन अ सर्टेन रेंज। मतलब कोई टेंशन नहीं, आप जितना मर्जी सोल्यूट सॉल्वेंट हो थोड़ा बहुत आप वेरी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर वेरिएशन पॉसिबल है। ओके, नाउ अब चलते हैं अपने सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स पर। देखिए, सॉल्यूशन जो होते हैं ना, कई तरीके के हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपने कौन कौन से कॉम्पोनेंट उनमें ऐड किए हैं। जैसे एक टाइप के सॉल्यूशन होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब, बाइनरी का बाई का मतलब ही O2 होता है। तो बाइनरी सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें सिर्फ दो कॉम्पोनेंट होंगे, टू कॉम्पोनेंट दे हैव ओनली। ओके, तो ऑब्वियसली एक तो सॉल्वेंट होना ही है, तो दूसरा क्या होगा? सल्यूट होगा। तो आप कह सकते हो कि इसमें एक ही सल्यूट है, क्योंकि सॉल्वेंट को तो होना ही था पहले। ठीक है, तो बाइनरी, टर्टनरी, क्वार्टनरी और भी हो सकते हैं, बट हम जो हमारे सिलेबस में सिर्फ बाइनरी है, तो हम इससे आगे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे आगे। इसके अलावा इसकी और एक और क्लासिफिकेशन है कि भाई ये एक्वस है कि नॉन एक्वस है। तो एक्वा सोल्यूशंस, नाम से ही पता चल रहा है, एक्वा सोल्यूशंस वो होते हैं जिनमें वाटर एज अ सॉल्वेंट होता है, वाटर एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। और दूसरे सोल्यूशन होते हैं नॉन एक्वस, मतलब इनमें जो सॉल्वेंट होगा वाटर नहीं होगा। देखिए, ज़्यादातर सोल्यूशन में तो सॉल्वेंट वाटर ही होता है ना, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है इनफैक्ट। मगर कई बार जो हमारा सोल्यूशन है वो वाटर में नहीं बनाया जा सकता, रिएक्ट कर सकता है, तो उसके लिए नॉन एक्वस सोल्यूशन ले लेते हैं। ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है बेंजीन, और अमोनिया भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बेंजीन, अमोनिया, दीज आर ऑल आर नॉन एक्वस सोल्यूशंस। ओके।